सुबह का स्वागत कभी भी चिंता से मत करिए, तनाव से मत कीजिए, डरों से मत कीजिए, चीखने चिल्लाने से सवेरे का स्वागत मत करना, पवित्रता से, क्योंकि सुबह का समय होता है जब आप तन की पवित्रता, घर की पवित्रता सब कर रहे होते हैं, उसी समय में मन की पवित्रता करिए, वाणी की पवित्रता कीजिए, व्यवहार की पवित्रता कीजिए, और अपनी अकड़ को भी पवित्र करने के लिए बड़ों को प्रणाम कीजिए और देवताओं को प्रणाम कीजिए, आपकी जिंदगी में धन्यता आनी शुरू हो जाएगी। इसलिए जड़ें जहां हैं आपकी, पहले उन जड़ों पर ध्यान दीजिए। एकाएक आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं होगा, अगर हो भी गया तो वह टिकेगा नहीं। रातों रात जो लोग अमीर बना करते हैं उनकी अमीरी टिका नहीं करती। हाईवे पर किन्हीं की जमीनें आ गई, करोड़ों रुपए के मालिक हो गए, कुछ सालों के बाद हम देखते हैं फिर वैसे के वैसे खड़े हुए, क्योंकि अमीरी आपके दिमाग में है। जब तक कमाना नहीं आएगा आपको, तब तक संभालना भी नहीं आएगा, ये याद रख लीजिए। हम अपने बच्चों को पैसे देकर अमीर बनाने की कोशिश करते हैं, वो अमीरी टिकती नहीं। कमाने की विद्या और जीने का ढंग सिखाते हैं तो उनके पास पैसे ना भी दो, वो बैंक से लोन लेकर भी अमीर हो जाएंगे, कमाना आएगा उनको। गरीब का बच्चा मेहनत करते करते शिखर पर पहुंच जाता है, और अमीर का बच्चा मेहनत करना जानता नहीं, क्योंकि उसको सिखाते ही नहीं। वो लोग ही सोचते हैं मैंने कष्ट भोग लिया, मेरा बच्चा कष्ट ना भोगे। वो जो आप अपने बच्चों को कष्ट सहकर जिंदगी जीना सिखाते हैं, वो आप उनको तकलीफ नहीं देते, उन्हें बड़ा बनाते हैं, उन्हें मजबूत बनाते हैं, उन्हें परिपक्व बनाते हैं, उन्हें दुनिया में सिर उठाकर जीने का रास्ता देते हैं। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को नरम गद्दों पर सुलाते हुए मेरे बच्चे के पांव में जमीन पर धूल ना लग जाए, गर्म हवा ना लग जाए, इस चक्कर में मत पड़ना। सीता जी ने जब अपने बच्चों को लव कुश को वन की कटीली पगडंडियों में नंगे पांव और सिर पर वाल्मीकि ऋषि के यज्ञशाला की समिधाओं को ले जाने का आशीर्वाद दिया, गुरु की सेवा करो, इतने कोमल बच्चे, और सारी वन की महिलाएं बोलती थी वन देवी, सीता जी को वन देवी बोलती थी, वन देवी तुम्हारे बच्चे बहुत कोमल हैं, इनके साथ कठोरता मत बरतो। सीता जी कहती थी जिंदगी की कठोरताओं का सामना करने के लिए बचपन को धीरे धीरे कठोरता में रखकर तपस्वी बनाना चाहिए, जिससे वो जीवन के आंधी तूफानों में पहाड़ की तरह सिर उठाकर ऊंचे होकर खड़े रह सके। मैं अपने बच्चों को महान बनाने के लिए तपस्या के मार्ग पर चला रहे हैं, इसलिए इनको राज महलों में नहीं पाला गया, इनको जंगल के विपरीत वातावरण में तपस्वी बनाना जरूरी है। राम जी की 24 पीढ़ियों का वर्णन मिलता है, 24 पीढ़ियों तक के नाम, राजाओं के नाम सामने आते हैं। आज दिलीप, रघु आदि सब नाम जब हम लोग लेते हैं वो पुराने रघुवंश की कथा, लेकिन आगे तक की कथा जाती है। जितनी फोर्स के साथ आप गेंद को ऊपर फेंकते हैं उतनी ऊंची जाती है। किसी की अगर तपस्या और किसी का पुण्य अद्भुत होता है, उसकी पीढ़ियों तक आगे तक वो प्रभाव जाएगा जरूर। और यदि आप वो तपस्या नहीं करते और न बच्चों को सिखाते, वो ज्यादा आगे तक धर्म का, पुण्यों का प्रभाव जाने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, तैयारी करना जरूर शुरू कीजिए, अवसर आएंगे जीवन में आपको ऊंचा उठाने के लिए, तभी ऊंचे उठ पाओगे जब आप उसके लिए तैयार हो। क्योंकि पात्र को भगवान जब कृपा करता है
उसे सुपात्र खुद बनाना होता अपनी योग्यता को, अच्छा आपने बनाना है, और उसको मालामाल और निहाल परमात्मा करता है। कोशिश आपको करनी होगी। मैंने एक दिन कहा था, कहीं चर्चा करते हुए, कि जिंदगी को गमलों की तरह, गमलों के पौधों की तरह मत बना लेना। थोड़ी सी धूप ज्यादा हो गई, देख रेख किसी ने की नहीं, कुमला गए। जैसे हर समय सहारा चाहिए वो गमले के पौधे हैं, जिन्हें हर पल देख रेख चाहिए वो गमले के पौधे हैं। पौधे तो, जिंदगी का पौधा तो वैसा होना चाहिए जैसे पहाड़ों में उगे हुए पौधे होते हैं। सींचने वाला कोई नहीं, आंधी तूफान खूब हैं, जंगल में उगने वाले पौधे कोई उनका ध्यान नहीं रखता, फिर भी हरे भरे और ऊंचे उठे हुए जी रहे हैं। जब तक सहारा तलाशते रहोगे जिंदगी कमजोर बनती रहेगी, जब खुद अपना सहारा बनोगे जिंदगी लहलाने लग जाएगी। हर पल यही रोना, कोई मेरे लिए करता, कोई मेरा ध्यान रखता, कोई मुझे समझता। जब आप ही खुद को समझने को तैयार नहीं, खुद आपको, खुद को नहीं पहचानने को तैयार है, दुनिया क्यों पहचानेगी? आप तो पहचानो अपने आप को। अपनी कद्र जब तक आप खुद नहीं करोगे दुनिया भी नहीं करेगी। दुनिया से मान चाहते हो तो पहले खुद अपना आत्मसम्मान बनाओ, खुद का मान तो करो। जिन हाथों से परमात्मा ने सबको बनाया है उन्हीं हाथों से आपकी भी रचना की है। जो कुछ औरों को दिया वो आपको भी दिया है, इसलिए अपने आप को दीनहीन क्यों मानते हो भाई? हर समय सिर पकड़कर अपने माथे को कोसते रहना, अपना माथा पीटना, अपने भाग्य को कोसना अच्छी बात नहीं। इसलिए आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी जरूर, तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा कि अवसरों की, खुशियों की, होली की, दिवाली की पहले से तैयारी करिए। हर दिन की सांझ को तैयारी कीजिए। जिन्होंने अपने प्रभात को संभाल लिया उनका दिन संभलता है, और जिनका दिन संभल गया उनकी सांझ संभलती है, जिनकी सांझ संभल गई उनकी रात संभलती है, और जिनकी रात संभल गई उनके दिन संभलने लगते हैं, और जिनके दिन संभल गए उनके सप्ताह संभलते हैं, जिनके सप्ताह संभल गए उनके महीने संभलते हैं, जिनके महीने संभल गए उनके वर्ष संभलते हैं, और जिनके वर्ष संभल गए उनकी जिंदगी संभलती है। एक एक पाई पाई की कद्र करता है आदमी तो वो खजाने की भी कद्र करेगा, एक एक क्षण की कद्र करेगा आदमी तो जिंदगी की भी कद्र करेगा। जिसको अपने समय का पता है कीमती है तो वो दूसरों के समय की भी कद्र करेगा, और जो अपना ही टाइम खराब करता फिर रहा है वो दूसरे का भी समय खराब करता है। खुद को सम्मान दो ना भाई, एकांत में बैठिए, थोड़ी देर अपने बारे में सोचिए और देखिए, पूछिए अपने आप को कि मैं अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहता हूं। अपने जीवन से पूछिए कि मेरे जीवन, मेरी जिंदगी, मैं तुझे कहां देखना चाहता हूं, किस ऊंचाई पे देखना चाहता हूं, मैं तुझसे क्या पाना चाहता हूं, मेरे प्रयास में गलती कहां है, गुरु कृपा में कमी कहां है, देव कृपा में कमी कहां है, मेरे प्रयासों में कहां कमी है। सुधार शुरू करें। भगवान कहते हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानि रस्योपजायते, प्रसन्न चेत सो ह्यासु बुद्धि परि अवस्थिष्ठते। जिस आदमी का चित्त प्रसन्न हो गया, आंतरिक प्रसन्नता, आंतरिक रूप से जो आनंदित रहना शुरू हो गया, बुद्धि परि अवस्थिष्ठते, उसकी बुद्धि स्थिर होनी शुरू हो जाती है। आंतरिक प्रसन्नता से, चित्त प्रफुल्लता से उल्लास प्राप्त होने लग जाता है, और उल्लास जब अंदर में रहने लग जाए, आंतरिक रूप से प्रसन्न रहने लग जाए, आदमी चेहरे पर मुस्कान दिखाई देने लग जाए, माथे पर शीतलता दिखाई देने लग जाए, वाणी में माधुर्य दिखाई देने लग जाए, हर समय का उत्साह दिखाई देने लग जाए,
तो कहते हैं उसकी बुद्धि भी स्थिर होती है और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे डिसीजन लेता है, अच्छी योजनाओं को साकार करता है। जिसकी अक्ल ठिकाने पर नहीं है चोट तो वही खाता है, क्योंकि भगवान डंडा लेकर तो मारने नहीं आते। जिसको सजा देना चाहते हैं उसकी बुद्धि तो हरते हैं, बस उसी से तो गड़बड़ होती है। अक्ल मारी गई तो आदमी मारा गया, इसलिए अक्ल के लिए ही तो सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में मंत्र पढ़ा जाता है, गायत्री मंत्र, तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। धियो यो न प्रचोदयात्, भगवान हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित कीजिए, सुबुद्धि दीजिए, सुमति दीजिए। इतना माथा क्यों झुकाता है भारत वाला? हर भारतवासी को माथा झुकाने की आदत है, क्योंकि बुद्धि ठिकाने रहे, भाग्य जागता रहे, बड़ों का आशीर्वाद रहे, हमारी सोच अच्छी रहे, हमारे निर्णय अच्छे रहे, ये कृपा जिसके पास है वो सफल होता ही चला जाएगा। इसलिए हमारे यहां इतना महत्व दिया गया। कुछ चीजें होती हैं जीवन में जो दुख लाती हैं, दुख आए तो संभालना हमारा काम है। चाणक्य ने कहा था, वृद्ध काले मृताभार्या बंधु हस्तगतम धनम भोजनम च पराधीनम तिस्र पुनशाम विडंबना। मनुष्य के जिंदगी में तीन विडंबनाएं होती हैं, दुखद चीजें होती हैं। एक जब बुढ़ापे में पति पत्नी का असली साथ होता है, वो छूट जाए, टूट जाए, दोनों में से कोई एक रह जाए और कोई उसको समझने वाला ना हो, कि वो साथ छूटना, वो जोड़ी का टूटना, क्योंकि जो जोड़ता है वही तोड़ता भी है। जिसने जोड़ी मिलाई उसने तोड़ भी दी। अब उस समय खुद को संभालना आसान बात नहीं है। जिंदगी में दुख आता है, जिससे अपना बुढ़ापा संभालना आ गया तो समझ लीजिए जीना आ गया उसको, साधारण बात नहीं होती। भले ही पूरी जिंदगी इज्जत ना की हो किसी ने अपनी पत्नी की, लेकिन बाद में उसे एहसास बहुत होता है। जब नहीं रहती ना, बहुत झगड़ा रहता है बहुत लोगों में, लेकिन पत्नी नहीं रही तो उसके बाद बूढ़ी आंखों में मैंने बहुत आंसू देखे हैं। जब आदमी कहता है ना, वही तो थी, सोने से लेकर जागने तक, जिसे जागने से लेकर सोने तक मेरा ख्याल था, मैंने कुछ खाया नहीं खाया, दवाई ली नहीं ली, मुझे क्या पसंद क्या नहीं, जिसे मेरा चेहरा पढ़ना आता था, जिसके आंखों की रोशनी कम हो गई थी, किताब नहीं पढ़ पाती थी, फिर भी मेरा चेहरा पढ़ लेती थी कि आज उदास है, अंदर कुछ गड़बड़ है, शक्ति बनकर जो साथ देती रही, उसके जाने के बाद जो असर आता है, बहुत लोगों को रोते हुए देखा। एक सज्जन को मैं देखता था, हांगकांग में थे, वो अपनी पत्नी को देखकर एकदम बड़ी मजाक उड़ाया करते, सब भीड़ के बीच में। मैं पूछता था, मैंने कहा आपकी धर्म पत्नी? बोले मेरी जन्म पत्री है ये। बोले मां बच्चे की रग रग को पहचानती है, लेकिन पत्नी एक ऐसी है जो दुखती रग को पहचानती है, इसे बहुत पता है मेरी दुखती रग कौन सी है, वही छेड़ती है ये। और जब उसकी पत्नी नहीं रही, मैंने उस आदमी को देखा, पागलों जैसा हो गया, और बड़ा प्रसिद्ध नाम था उस व्यक्ति का। कुछ समय पहले मृत्यु हुई। कितना भी बड़ा मान मिल जाए, लेकिन कोई होता है जिसका भाग्य आपके साथ मिलने से आपका भाग्य चमकता है। पत्नी या पति, दोनों में से कोई एक रह जाता है ना।
तो व्याख्या नहीं करता। चाणक्य ने लिखा कि बुढ़ापे में साथ छूटना और पैसा किसी रिश्तेदार दोस्त परिचित के पास चला जाए अपने हाथ में हो नहीं, दूसरे के हाथ में गया वह पैसा जिसके पीछे पीछे घूमते घूमते लड़ाई तक मोल ले ली लेकिन पैसा देने को तैयार नहीं, थोड़ा बहुत दुख नहीं होता वो। और फिर उन्होंने कहा तीसरा दुख वो माना जाता है जब आदमी की रोजी रोटी किसी दूसरे के हाथ में हो और दूसरा आदमी बहुत मूडी हो, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, एक मिनट में खुश और एक मिनट में नाराज, कब मुंडी हिला दे कि निकल बाहर, कितनी दुखद स्थिति। प्राइवेट नौकरियों में आदमी को बड़ी घबराहट होती है, खासतौर से तब जब वो 45-50 की एज में पहुंच रहा हो और उस समय कंपनी वालों को लग रहा हो कि पैसे बहुत ले रहा है, इतने में तो चार आदमी काम करने लग जाएं, बहाना ढूंढते हैं उन्हें बाहर निकालने का। और वो समय होता है जब आदमी की जिंदगी में उसके बच्चे जो है किसी मुकाम तक पहुंचने की तैयारी कर रहे होते हैं, ऐसे में मिला झटका। यूरोप अमेरिका में तो घंटे के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, इतने घंटे काम किया, सब जगह की परिस्थितियां अलग हैं। चाणक्य ने लिखा ये तीन चीजें बड़ी दुखदाई है, उपाय भी आगे लिखे हुए हैं, उनमें से एक सार की बात तो ये कि विद्या कुछ भी प्राप्त करना, लेकिन आपके पास एक विद्या जरूर होनी चाहिए, वो विद्या है कमाने की विद्या। सिर्फ नौकरी ही नहीं, खाली बैठे बैठे भी कुछ ना कुछ आपको करना कमाना आना चाहिए कि जिससे बुढ़ापे तक आप उपयोगी बने रहें। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में सूरत गुजरात कानपुर उत्तर प्रदेश में देवदूत बाल आश्रम का निर्माण किया गया है, जहां बच्चों के लिए भोजन आवास शिक्षा की निशुल्क व्यवस्था है। ये बच्चे खेलकूद एवं शिक्षा के क्षेत्र में अपने सफल प्रदर्शन से साबित कर रहे हैं कि विश्व जागृति मिशन एवं पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद इन्हें सफल जीवन की ओर ले जा रहा है। बच्चे समाज और देश का भविष्य है, इनके उत्थान के लिए यदि आप भी बाल विकास योजनाओं में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो ऑनलाइन डोनेशन के लिए लॉगिन करें www.vishwajagratimission.org। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना, ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली